के के मिश्रा केमेस्ट्री वीडियो फॉर क्लास 11 इन टेबल टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टीज थर्ड प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लूज इंथाइल्पी ऑर्गनाइजेशन पोटेंशियल कहते किसको है हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट है एन बराबर वन टू थ्री तो यहां कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वायलेंस सेल मान लो कि एम कोई एलिमेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा एम प्लस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इनर्जी की आवश्यकता हो होगी इनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल डैट इनर्जी इज कॉल्ड आई पी इसी को आई पी कहते हैं यह है, एम प्लस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है एम प्लस टू बनेगा एक इलेक्ट्रॉन एम प्लस टू से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है एम प्लस थ्री बनेगा एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आई पी यदि इसको फर्स्ट कहते हैं तो इसको आई पी सेकेंड कह देंगे इसको आईपी थर्ड कहेंगे तो क्या लिखेंगे द मिनिमम एमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Outermost orbit This amount of energy is called its IP Outermost orbit of an gaseous. एटम गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की आवश्यकता हो होती है उसी को कहते हैं उसका आईपी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड बट वन आफ्टर एन इट इज ए सक्सेसिव प्रोसेस आईपी फर्स्ट आई पी सेकेंड आई पी थर्ड एन वन एन टू एन थ्री एन वन के लिए सॉरी आर वन आर वन आर टू आर थ्री रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए यहाँ से निकालना हो यहाँ से निकालना हो यहाँ से निकालना हो तो इनर्जी क्या होगी बढ़ेगी यहाँ आईपी फर्स्ट जो है यह किसके लिए है एम से एम एम के लिए है एम से एम प्लस जो बनाए हैं यहाँ एम प्लस से एम डबल प्लस बनाए हैं एम डबल प्लस से एम ट्रिपल प्लस बनाए हैं तो इसका रेडियस क्या हो रहा है लगातार घटते जा रहा है रेडियस घटते जा रहा है तो रेडियस घट रहा है अगर तीसरा से निकाल रहे हैं दूसरा से निकालेंगे तो और एनर्जी की आवश्यकता हो होगी पहले से निकालेंगे तो और एनर्जी की आवश्यकता हो होगी तो यहां m प्लस एम डबल प्लस एम ट्रिपल प्लस इसका रेडियस घटते जा रहा है तो आईपी क्या होगा आईपी फर्स्ट से सेकंड ज्यादा होगा सेकंड से थर्ड ज्यादा होगा अर्थात आईपी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर हो जाएगा अर्थात आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई साइज हो जाएगा ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप ग्रुप में और पीरियड में आईपी वैल्यू जो है ग्रुप में जब आइएगा तो क्या होगा ग्रुप में साइज बड़ा होते जाता है तो आईपी क्या हो गया डिक्रीज करेगा और पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होते जाता है तो आईपी क्या हो गया इनक्रीज हो जाएगा अर्थात इन ए ग्रुप मूविंग टॉप टू बॉटम आईपी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, वाइल इन ए पीरियड मूविंग लेफ्ट टू राइट आईपी इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग एटोमिक साइज इसी का यहां पर हमने बना दिया है अब देखिए आईपी फर्स्ट सोडियम का और आईपी फास्ट फर्स्ट पोटैशियम का पोटेशियम का साइज बड़ा है सोडियम से इसलिए इसका आईपी क्या हो जाएगा सोडियम का बड़ा हो जाएगा पोटेशियम से ऑक्सीजन और क्लोरीन है आईपी ऑफ ऑक्सीजन आईपी ऑफ फ्लोरीन लिखिए फ्लोरीन

टू पी थ्री एस में दो इलेक्ट्रॉन है और p में तीन इलेक्ट्रॉन है मोर स्टेबल ये मोर स्टेबल है और ऑक्सीजन में क्या है आठ टू एस टू टू पी फोर एस में दो इलेक्ट्रॉन है और p में चार इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड से एक अधिक भरा हुआ है या इसके बनिस्पत लेस स्टेबल हो जाएगा लेस स्टेबल हो जाएगा यह चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को प्राप्त करें टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड गेट स्टेबिलिटी हाफ फील्ड सो आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन तो फिर यहाँ हम लिख रहे हैं आई पी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी पहल का तो है आई पी जो है वह यहाँ आई पी इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू एन बाई वन बाई एन एन जहां नंबर ऑफ ऑर्बिट है नंबर ऑफ ऑर्बिट है एन बराबर तो ऑर्बिट बढ़ेगा तो आई पी घटेगा साइज बढ़ेगा तो आईपी घटेगा रेडियस बढ़ेगा तो आईपी घटेगा यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा यहाँ नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन से इसका आईपी अधिक है बस आज इतना ही आईपी के बारे में